Dear students, Assalamu Alaikum. As you remember, we are now creating items for populating our QuickBooks. We have already created a service item as well as an inventory item. These are the two main items which we sell to our customers or clients. These are our basic product lines or the services that we offer.

हम पास ऑन कर देते हैं उस वेंडर को जो ये सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब ज़रा क्लियर करने के लिए वाजे करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई कस्टमर या क्लाइंट किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से जाके कोई इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी सी चीज़ लेता है बड़ा सा टीवी बड़ा सा फ्रिज बड़ी सी वॉशिंग मशीन तो उसको ये तमाम चीज़ें अपने घर तक पहुंचानी होती हैं और बज दफ़ा ये घर में जाके इंस्टॉल भी करनी होती है। ये दोनों सर्विसेज के इसकी हॉलेज इसकी लोडिंग अनलोडिंग और इसकी इंस्टॉलेशन ज़रूरी नहीं कि आप ही करते हों आप सेलर हो सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की लेकिन बाकी सर्विस कोई ना कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कि इसको चीज़ों को उठा के रखना जगह तक पहुंचाना वहां उतारना और सही से इंस्टॉल करना तमाम चीज़ें शामिल लेकिन एज अ वन विंडो ऑपरेशन आप अपने कस्टमर को ये तमाम सर्विसेज भी ऑफर कर देते हैं उनका आपने हमसे ये चीज़ ले ली है लेकिन हम आपको पहुंचा भी देंगे और इसे इंस्टॉल भी कर देंगे और चला के भी दे देंगे लेकिन इसके एक्स्ट्रा चार्जेज होंगे ये चार्जेस वो सर्विसेज ये प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो कि आप फरहम कर रहे हैं ये आप किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हैं और ये जो आप अपने क्लाइंट या कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं ये एक पास ऑन है जो आप सीधा अपने थर्ड पार्टी के हवाले करते हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है आमतौर पर जैसे आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट करने के ट्रांसपोर्टर्स उसी वक्त अपना मुआवजा ले लेते हैं और ये पैसे कस्टमर और ट्रांसपोर्टर में उसी वक्त तय हो जाते हैं हो सकता है कि आप ही उसके पैसे काट लें और जब वो वापस आए तो आप उसे पैसे दे दें या ऑन द स्पॉट कस्टमर उसे पैसे दे दें अगर ये तमाम बिलिंग आप कर रहे हैं तो ये आपके पास एक पास थ्रू आइटम ये पास थ्रू चार्ज के तौर पे आपके इन में रिफ़्लेक्ट होगा इसके ऊपर ना आप सेल टैक्स काटेंगे और ना ही आप इसमें कोई और चीज़ करेंगे ये सिर्फ पास थ्रू है इसे हमने पकड़ा कलेक्ट किया और उस बंदे को दे दिया जिससे हमने ये सर्विसेज ली हैं इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इन एडिशन टू हैं जो भी इस तरह की सर्विस या प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर या क्लाइंट को फ्राहम करेंगे उसके हम, उसको हम एन अदर चार्ज आइटम कैटेगराइज करेंगे याद रहे कि हमारे दो मेन आइटम्स सर्विसेज और हमारा जो मेन प्रोडक्ट वो हमारे इन्वेंट्री आइटम जिसे हम कहते हैं ये दो हमारे मेन चार्जेबल आइटम्स हैं रेस्ट आर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दैट वी प्रोवाइड टू आर कस्टमर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं कि ये सर्विसेज और प्रोडक्ट हम अपने पास रखते हों हम कहीं और से मंगवा के अपने कस्टमर को दे देते हैं आइए देखते हैं कि हम इसको अपने क्विक बुक्स में किस तरीके से रजिस्टर करें नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ आर क्विक बुक्स टू रजिस्टर एंड अदर चार्ज आइटम दिस इज़ आर मेन स्क्रीन द होम पेज जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है हम सबसे पहले लिस्ट में जाएंगे और लिस्ट से हम चूज करेंगे आइटम लिस्ट आइटम लिस्ट में हमारे तमाम जितने भी आइटम्स हमने अभी तक डिफाइन किए हैं जिसमें इन्वेंट्री और सर्विसेज हैं वो सब नज़र आ रहे हैं लेकिन इन दिस केस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वन फ्रॉम डॉप डाउन इन टाइप वी आर गोइंग टू चूज द अदर चार्ज वाई दिस इज़ द आइटम टाइप वी आर गोइंग टू क्रिएट टूडे अदर्जाज हमने चूज़ किया तो वो हमसे इसका आइटम का नाम मांग रहा है इन दिस केस वी आर गोइंग टू नेम दिस आइटम एज़ शिपमेंट शिपमेंट का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट करना है हम और इस ट्रांसपोर्ट की हम एक नया आइटम क्रिएट कर रहे हैं इसके पैसे हम नहीं लेंगे कलेक्ट जरूर करेंगे लेकिन पास ऑन करेंगे ये हमारी मेन सर्विस याद रहे नहीं है जब हम इसका नाम चूज़ कर लेते हैं तो हमने ये देखना है कि इसके साथ साथ हमने और क्या क्या इंफॉर्मेशन फ्राहम करनी है सबसे अहम इसमें यह है कि हमने इसकी अमाउंट क्या रखनी है क्या इस दिस गोइंग टू बी अ फिक्स्ड अमाउंट और इज द आर गोइंग टू बी अ परसेंटेज अमाउंट अटैच टू इट तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ सेट करनी है। एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के अदर चार्ज आइटम हो सकते हैं वो हम बारी बारी अदर चार्ज में रजिस्टर करते रहेंगे लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक ही वक्त में सारे अदर चार्ज इस्तेमाल हो, मुख्तलिफ क़स्म के सेल से रिलेटेड अदर चार्ज हम उसके साथ बुक किया करेंगे उसकी इन्वाइस में इन दिस केस शिपमेंट इज़ बेसिकली दैट वी आर प्रोवाइडिंग अ अरियर सर्विस टू आर कस्टमर करियर सर्विस क्या है बेसिकली ये उसने ऑर्डर की है कोई चीज़ और हमसे कहा है कि आप हमें ये प्रोडक्ट जो है वो करियर कर दें हमने वो चीज़ उठाई है और उसे कुरियर कर दिया है लेकिन करियर की प्राइस हम अपनी इन में चार्ज कर रहे हैं ताकि हम कुरियर को रिएमबर्स कर सकें हो सकता है कि ये ऐट डिलीवरी हमें पैसे मिलने हैं लेकिन हमने इसे अपने इन में अपने रिकॉर्ड में ज़रूर ले आना है दूसरी चीज़ के हम बताएंगे इसकी डिटेल बताने के लिए कि दिस आइटम इज़ गोइंग टू तो बी यूज इन असम्बलीज और इज़ ए रीएम्बर्सबल चार्ज ये री एम्बर्सबल चार्ज है इसकी कॉस्ट फिक्स भी हो सकती है और इसमें आप थोड़ा सा प्रॉफिट भी ले सकते हैं मिसाल के तौर पे कि आपको ये कॉस्ट तीन सौ का कर रहा है लेकिन आप अपने कस्टमर कस्टमरी क्लाइंट से इस सर्विस के तीन सौ रुपए ले रहे हैं तो पचास रुपये आपका इसके ऊपर एक किस्म का मार्जिन है यू कैन अप अ मार्जिन इफ यू वॉन्ट टू इफ यू डोंट वॉन्ट टू यू कैन ओनली यूज इट एज अ पास थ्रू लेकिन अगर आप इसके ऊपर मार्जिन ले रहे हैं तो याद रहे ये आपकी अदर इनकम में शामिल हो जाएगा इसके बाद हमने इसके लिए एक एक्सपेंस अकाउंट फाइनल करना जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये किस टाइप का एक्सपेंस है हमारे पास वंस अगेन इस ड्रॉपडाउन में तमाम टाइप्स की एक्सपेंसिस लिस्टेड हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के किसी बंदे से ये पूछेंगे बल्कि वो आपको बताएगा कि ये किस टाइप का एक्सपेंस है क्योंकि ये कोरियर सर्विस है तो दिस इज गोइंग टू बी चार्ज एज पोस्टेज इसका इनकम अकाउंट है आपका रीएमबर्समेंट इनकम दिस इज बेसिकली री एम्बर्समेंट फॉर अ सर्विस दैट यू प्रोवाइडेड बट विच इज़ नॉट योर मेन सर्विस और योर प्रोडक्ट मेन सर्विस ही प्रोडक्ट नहीं है ये एक पास थ्रू आइटम है यस यू कैन इफ यू वॉन्ट टू चार्ज अ मार्जिन ऑन द सर्विस एज वेल तो हमने अब ये अपनी पूरी स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन फुल कर ली है हमारा आइटम का नाम है शिपमेंट दैट मीन्स this is basically we are providing transport or courier services expense type is postage because that is how it is going to move Ab hum apne items, or we can see that shipment is listed as the other charge item in our list now let us go over and create an invoice and see how we can use this New other charge item in our invoice. First, as usual, we are going to select a client or a customer and we are going to provide him with a service. Now, for this service, we are going to charge him something for shipment of these goods for transportation to his place or premises. हमने एक सर्विस सेलेक्ट कर ली है और अब हम अदर चार्ज आइटम को सिलेक्ट करेंगे अदर चार्ज आइटम एज यू वेल रिमेम्बर इज़ शिपमेंट अब आपने देखा कि हमने जो वहाँ प्राइस सेलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ गई है और जितनी हम क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उससे मल्टीप्लाई होके वो अपना रिज़ल्ट दे देगी याद रहे कि हमने पचास रुपए का इसमें मार्जिन डाला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि फॉर एवरी सिंगल यूनिट ऑफ आइटम दैट वी सेल वी कैन गेट अ मार्जिन ऑफ रुपीज फिफ्टी तो जितने भी हम आइटम सेल करेंगे हम उसके ऊपर अपना थोड़ा बहुत मार्जिन मेंटेन करेंगे नाउ देर आर टू टाइप ऑफ आइटम्स लिस्टेड ऑन योर स्क्रीन ऑन द इन वन इज़ द सर्विस दैट वी आर प्रोवाइडिंग एंड वन इज़ अ पास थ्रू और एन अदर चार्ज आइटम तो हमने अपनी जो इन्वाइस कम्प्लीट की है उसमें आप देख सकते हैं कि दोनों आइटम अलहदा आलैदा लिस्टेड हैं अगर आप चाहें तो इसको नॉन टैक्स भी करार दे सकते हैं लेकिन वो क्या चीज़ होती है कैसे होता है वो जब हम सेल टैक्स पढ़ेंगे उस वक्त आपको क्लियर हो जाएगा लेकिन फॉर द मोमेंट वी आर गोइंग टू क्लेम टैक्स तो On all the services that we are providing to our customers. So now your invoice is ready. We have created an invoice with a service and now we are going to save it and we are going to go back. In today's lecture, we have seen that we have other charge item, one item, jo QuickBooks have done in QuickBooks, but which our company. बजाते ख़ुद ना प्रोड्यूस कर रही है और ना ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है हम ये थर्ड पार्टी से ले रहे हैं और अपने कस्टमर की सहूलत के लिए उसको दे रहे हैं कभी भी आप किसी दुकान पर जाते हैं और उनसे कहते हैं यार हमें ये भी चीज़ दे, दे दें गो आप नहीं रखते तो वो यकीन आपने देखा होगा कि फ़ौर किसी साथ वाली दुकान से ये यह, यहाँ से वहाँ से वो चीज़ ला के आपको दे देता है ये उसी टाइप की सर्विस है हो सकता है कि आप इसमें भी थोड़ा सा चार्ज करें but that charge is basically for your time that you utilize to collect this third party service so now i am sure you understand the different type of items available in quickbooks until next time allah hafiz <laughs>